दोस्तों, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ एक ऐसा देश भी है जो टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी में प्रैक्टिस करता है। तो क्या पाकिस्तानी टेरर आउटफिट्स के हाथों में न्यूक्लियर वेपन आ सकता है? चलिए एनालाइज करते हैं। देखिए, एक न्यूक्लियर बॉम्ब में चार लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी होती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ब्रीफ केस में ये सोर्स कोड होता है, जिसके बिना न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। साथ ही न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने के लिए बॉम्बर जेट्स, मिसाइल्स या सबमरीन्स की जरूरत होती है, और इन्हीं वजहों से टेरर आउटफिट्स के हाथों में न्यूक आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन एक रेडियोलॉजिकल अटैक एक न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक से बड़ा खतरा है, जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्पर्स किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्राजील में सीजियम पाउडर इंसिडेंट। लेकिन आज के समय पाकिस्तानी मिलिट्री की इस्लामाइजेशन एक बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से पाक मिलिट्री टेरर आउटफिट्स के साथ मिलकर रेडियोलॉजिकल या फिर न्यूक अटैक इंडिया पर कर सकती है।